हेलो एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज मैं एक आसान सी रेसिपी बनाने वाली हूँ जिसका नाम है बेसन शिमला मिर्च। तो चलिए देखते हैं बेसन शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। दो बड़ी शिमला मिर्च ले ली है, इसे मैंने काट लिया है स्क्वायर में। इसे पहले मैंने अच्छे से पानी में वॉश कर लिया था और कपड़े से पानी सुखा लिया था और इसे देखिए स्क्वायर में काट लिया है। बीज नहीं रखने हैं हमें, बीज निकाल देने हैं। 4 टेबलस्पून बेसन चाहिए यानी कि आधा कप। 1 बड़ा चम्मच ऑयल, 4 टेबलस्पून होगा ऑयल। हल्दी 1/4 छोटी चम्मच, नमक आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा या फिर स्वाद के अनुसार, राई आधा छोटी चम्मच, जीरा आधा छोटी चम्मच, हींग 2 पिंच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, अमचूर पाउडर आधा छोटी चम्मच। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने पर इसमें डालेंगे राई, अब डालेंगे जीरा, हींग और शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को हम धीमी से मध्यम आंच पर पका लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से चलाते रहें और इसे आधा पकने तक चलाते रहेंगे। जब शिमला मिर्च आधी पक जाएगी तब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। शिमला मिर्च आधी पक चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन और बेसन को धीमी आंच पर सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हमें हाई नहीं रखनी है, एकदम धीमा रखना है। बेसन को हमें हल्का रेडिश होने तक पकाना है। लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे। देखिए बेसन का कलर चेंज हो चुका है, पक चुका है बेसन अच्छे से। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और अमचूर पाउडर। इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे ढक्कन लगाकर कुछ सेकंड तक इसे पकने देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, आधा मिनट ही, धीमी आंच पर। बस गैस को ऑफ कर लीजिए, आधा मिनट हो चुका है। एक बार इसे फिर से चम्मच से चला लेंगे। बेसन शिमला मिर्च तैयार है, अब इसे सर्व कर लेंगे हम। देखिए इसे बनाना कितना आसान है, एकदम चटपट बन जाती है। 5-10 मिनट में ये सब्जी तैयार हो जाती है। अब इसे रूटीन में सब्जी दाल के पास खाइए, अचार के जैसे बहुत ही अच्छी लगती है। और देखिए कितना झटपट बन गया है। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। इस सब्ज़ी को आप 2 दिन तक फ्रीज में रखकर काम में ले सकते हैं।